चुनाव तारीख के ऐलान के बाद एक्शन में आए रादौर विधानसभा के निर्वाचन अधिकारी, जोनल मैजिस्ट्रेट व सेक्टर अधिकारियों के लिए बैठक। बैठक में दिए पोलिंग स्टेशन पर जाकर सुविधाएं जांचने के निर्देश। निर्वाचन अधिकारी बोले, चुनाव को लेकर हर तरीके से की गई है तैयारी। हरियाणा में चुनावी बिगुल बजते ही अधिकारी भी एक्शन मोड में आ गए हैं। आज रादौर SDM व निर्वाचन अधिकारी कंवर सिंह ने चुनाव की तैयारियों संबंधी जोनल मैजिस्ट्रेट व सेक्टर ऑफिसर्स की बैठक ली और उन्हें चुनाव से संबंधित शेष दिशा निर्देश दिए। बैठक के बाद जानकारी देते हुए निर्वाचन अधिकारी कंवर सिंह ने बताया कि सभी जोनल मैजिस्ट्रेट व सेक्टर ऑफिसर्स की बैठक ली गई थी, जिसमें सभी को अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर जाकर वहां पर बिजली, पानी, रैंप आदि की जांच करने के निर्देश दिए गए, ताकि उस समस्या को समय रहते दुरुस्त किया जा सके। वहीं उन्होंने बताया कि इसके साथ ही सभी को ऐसे इलाके भी जांचने के निर्देश दिए गए जहां पर पिछले चुनाव में कोई गड़बड़ी या किसी मतदाता को वोट करने से रोका गया हो। ऐसी जानकारी वे निर्वाचन अधिकारी को दें। वहीं उन्होंने कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता लगते ही उनकी पूरी टीम एक्शन में आ गई है। सिविजिल ऐप की टीम सहित हाईवे पर नाके लगाए गए हैं, जिन पर 24 घंटे अधिकारियों की तैनाती की गई है। जैसे आप सभी को ज्ञात है कि आज से आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता है जो वो लागू हो गई, उसी को लेकर के रादौर विधानसभा क्षेत्र का जो चुनाव होने जा रहा है उसको लेकर के जोनल मैजिस्ट्रेट और सेक्टर ऑफिसर्स की आज मेरे द्वारा मीटिंग ली गई थी, जिसमें उनको सेंसिटाइज किया गया है कि वो अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर जा करके जो मिनिमम फैसिलिटीज रिक्वायर्ड हैं, जैसे ड्रिंकिंग वाटर हो गया, पानी हो गया, रैंप हो गया, बिजली हो गई, फर्नीचर हो गया, इन सबको चेक कर लें और किसी बूथ पे कोई इस तरह की कमी है तो उसके बारे में तुरंत सूचित करें। इसके साथ साथ सेक्टर ऑफिसर्स का एक मेन जो काम होता है प्री पोल डे में, वो होती है वल्नरेबल मैपिंग, उसको लेकर के उनको निर्देश जारी किए गए। किसी तरह की कोई इस तरह की कोई कार्रवाई अगर पिछले इलेक्शन के दौरान या अभी कुछ टाइम पे ऐसा कुछ हुआ हो, किसी कम्युनिटी को, किसी कास्ट को, मोहल्ले को थ्रेट किया गया हो या फिर उनको वोट देने से रोका गया हो किसी भी तरीके से, उस तरह की जानकारी सेक्टर ऑफिसर द्वारा एकत्र की जाती है और जो आरओके द्वारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक CO सर के माध्यम से पहुंचाई जाती है। इसके साथ ही आज आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण हमारी जो सारी टीमें थी वो एक्शन मोड में आ गई। सी विजिल टीम हमारे रादौर विधानसभा क्षेत्र की वो एक्टिव कर दी गई है। इसके साथ साथ FST और SST हमारी हर एक नाके पर एक्टिवेट हो गई है।